रानी साहिबा यहाँ कैसे पहुंच? माँ साहब ने ही भेजा है इन्हें आज की महफिल से जाने। महफिल शुरू की जाए। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रख कर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने चार चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है। और ये कोई नाचने वाली नहीं है, राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। क्षमा सावी छत्रपति, इनको यहां से जाने की आज्ञा दीजिए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा है पेशवा, तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते? पेशवा, दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की। लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छा, जा सकती हो मस्तानी।